हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने लास्ट वीडियो में क्वाड्रेटल के बारे में पढ़ा था। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 में क्या दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज के कोण है 3 अनुपात, अंतः कोण है ये 3:5, 5:9, 11 में दिए हुए हैं। 13 के अनुपात में दिए हो तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। कोई भी चतुर्भुज क्वाड्रेटल दिया हुआ है उसके अंतः कोणों का मान दे रखा है, यानी एक पहाड़ी से काट रखा है। अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई पहाड़ा होता है, कोई किसी टेबल से काट देते हैं तो हम वो टेबल मान लेंगे एक्स। बच्चों किस प्रकार क्वेश्चन करेंगे ध्यान से देखिए। हमें पता है लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि कोई भी चतुर्भुज होता है उसके अंतः कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ हम वही बात लिखेंगे, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अपने देखिए यहां पर ये 3:5, 3:5, 5:9 और 9:13 दे रखा है। तो हम इस टेबल का मान नहीं है, ये टेबल का अनुपात है। तो हम ये मान लेते हैं कि अंतः कोणों का मान, अंतः कोणों का मान यानी लेट, लेट का अर्थ क्या होता है माना। हमने मान लिया कि अंतः कोणों का मान क्या है, ये 3x है। तो ये क्या है 5x है, और ये क्या है 9x है, और ये क्या है 13x है। ये मान दिया। और हमने ये बात पढ़ी थी कि अंतः कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कोई भी क्वाड्रेटर ले लो। तो हम ये लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग = 360 डिग्री। तो यहाँ पे चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं ये हमें पता है, 4 कोण होते हैं। तो इन 4 कोणों का मान दे रखा है 3x पहला, दूसरा कितना है 5x, तीसरा कितना है 9x और चौथा कितना है 13x = कितना है 360 डिग्री। यहाँ पे देखो 3x और 5x कितने एक्स होते हैं, 8x, 8x और 9x कितने होते हैं 17x, और 17 + 13x कितने होते हैं 30x = कितना होता है 360 डिग्री। हमें x का मान निकालना है, x का मान कितना होता है 360। 30 × x यानी इसका क्या रिलेशन है इंटू में, तो इंटरचेंज होने पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 30। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितने आ गया 12 आ गया। 12 क्या है, जिस टेबल का मान था यानी जो टेबल से हमने कट किया था उसका मान था, तो वो कितना आ गया 12 आ गया। तो प्रथम कोण कितना था 3x था, कितना था 3x था। तो x का मान कितना है 12, तो पहला कोण कितने डिग्री का 36। तो इसी प्रकार दूसरा कितना था 5x था, तो 5 × x का मान कितना था 12, तो ये कितने आ गए 60 डिग्री आ गया। फिर इसी प्रकार तीसरा निकालेंगे, तीसरा कितना था 9x, 9 × x का मान कितना 12, तो यहां से कितना आ जाएगा 108 डिग्री। फिर चौथा कितना था, चौथा कोण कितना था 13x, तो 13 × 12 कितना आ जाएगा, यहां से देखो 6 आ गया और 15 है 6। देख लो इसे 13 का पढ़ा, 2 बार बोलोगे 26, 2 × 13 और 2 कितना 15, ये कितना आ गया 156 डिग्री आ गया। अब इसका योग करके देख लो, चाहे पहला कितना है 36 डिग्री है, यहां योग करके बता रहा हूं, पहला कितना है 36 डिग्री है, दूसरा कितना है 60 डिग्री है, तीसरा कितना है 108 डिग्री है, चौथा कितना है 156 डिग्री है, यहां कितना आ गया 20, 2, यहाँ कितना गया 5, 11 और 6 कितना गया 16, असल कितना गया 360 डिग्री। यानी कोई भी क्वाड्रेटल होता है उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। ये क्यों होता है इसके बारे में भी देख लीजिए।
कि जैसे कोई टेबल में 10 और 20 को लिखा है, भी कोई अनुपात में होता है उसको 10/20 में भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम कट करें तो ये आता है 1:2, 1:2 आता है। तो 1:2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/4 आता है, अगर 3 से करें तो 3/6 आता है, अगर 4 से करें तो 4/8 आता है। हमें यहाँ इस कंडीशन में ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी क्या है 1/2 है। हम यहाँ पर्टिकुलर ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये कौन सी टेबल से कटा हुआ होता है। तो हम इस कंडीशन के अंदर क्या मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, यानी इसको वेरिएबल टर्म्स बना लेते हैं, चर पद बना लेते हैं, जिससे हमें क्या आता है आसानी से ये सिद्ध किया जा सकता है। तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। समांतर चतुर्भुज कहते किसे दोस्तों, समांतर चतुर्भुज कहते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होगा, समांतर होगा, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आयत की अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो ऐसा चतुर्भुज जिनके सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या आ जाए, समांतर आ जाए, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बच्चों आयत कहते हैं। अपने पास बच्चों क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। गिवन दैट, यानी ए बी सी डी क्या है के समांतर चतुर्भुज, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, यहां लिख देता हूं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये बात भी हम सिद्ध कर चुके हैं, ए डी है वो बी सी के बराबर है और ए बी है वो किसके बराबर है, डी सी के बराबर। हमें जो बात प्रूव करनी है, प्रूव दैट, और भी अपने को दे रखा है कि इसके विकर्ण भी क्या आपस में बराबर है, ये बात दी भी अपने को, यानी ए ए सी है वो बराबर है किसके, बी डी के बराबर है। प्रूव दैट अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत। आयत सिद्ध करने के लिए आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होता है, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर ये होता है कि इसका तो आयत का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो इन्होंने ये तो बोल रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो अपने को सिद्ध क्या और करना रह गया, अपने को सिद्ध ये बात करनी है कि इसका ये कोण और ये कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, आप ध्यान से देखना, मैं दो ट्रायंगल सिलेक्ट कर रहा हूं, एक ही आधार के सिलेक्ट करने हैं, तो ए के आधार के दो ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे, तो ए बी सी कर ले और ए बी डी कर ले, तो आधार क्या ले, ये के लिए, तो इसको हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, दो क्या लिए है, ट्रायंगल लिए है। इनको हम कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करेंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया, अरे बच्चों कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया कि इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो हम सर्वांगसम किस प्रकार सिद्ध करते हैं, देखो ए बी दोनों में क्या आ रही है बच्चों, उभयनिष्ठ आ रही है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कितनी बात चाहिए अपने को, 3 बात चाहिए, उभयनिष्ठ। यहां तक किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब में क्या है, उभयनिष्ठ। उसके बाद इसकी एसी भुजा और इसकी बीडी भुजा, एसी भुजा और बीडी भुजा ये बराबर दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, बराबर है, तो ये बात अपने को दे दी। उसके बाद अपने को एक बात, इसकी भुजा कौन सी आती है, बीसी आती है, और इसकी भुजा कौन सी आती है, एडी आती है, यानी बीसी है वो बराबर है किसके, एडी के। क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं। तो कितनी बात हो गई दोस्तों, 3 बात हो गई, कितनी बात हो गई,
तीन, और तीन ही बातें अपने को सिद्ध करनी थी। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? ट्रिपल एस रूल से, ट्रिपल एस रूल से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एबीडी के, यानी सर्वांशम हो गए। हम यहां लिखेंगे सर्वांशम त्रिभुजों के, त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते, क्योंकि भुजा तो हमने तीनों बराबर करी थी, तो भुजा नहीं लिख रहे हैं यहां, संगत भुजा और संगत कोण दोनों ही बराबर होते हैं, तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो पहले ट्राइंगल एबीसी में तो क्या है, यहां पे बी है, और एबीडी में यहां क्या है, ए है, यानी एंगल ए है वो किसके बराबर है? बी के बराबर। एंगल ए है वो किसके बराबर आ गया दोस्तों? बी के बराबर आ गया। अब एंगल ए है वो किसके बराबर आ गया? बी के बराबर आ गया। अपने को सिद्ध क्या करना है? ये कोण है वो क्या गया? बराबर आ गया। इसके बाद देखते हैं इस कोण का और इस कोण का मान। यहां तक बात हो गई कंप्लीट, ये समीकरण क्या दे दी? फर्स्ट दे दी। उसके बाद देखते हैं बच्चों, हमने ये पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। हम यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए के इक्वल कौन से आ गया? सी आ गया, और एंगल बी के इक्वल कौन सा आ गया? डी आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे के कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से ए और बी, और अगर ए बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान के तो 360 डिग्री आता है, क्योंकि चतुर्भुज के अंतःकोणों, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये बात हम सिद्ध भी कर चुके हैं। तो ए की जगह तो ए आ गया, और बी की जगह क्या आ गया? बी आ गया, सी की जगह ए आ गया इस समीकरण से, और D की जगह क्या आ गया? B आ गया, इजिकल टू कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। यहां से एंगल 2A आ गया, प्लस क्या आ गया? यहां से एंगल क्या आ गया? 2A आ गया, प्लस क्या आ गया? 2B आ गया, इजिकल टू कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। और यहां एंगल 2 कॉमन ले लो, एंगल A प्लस एंगल क्या आ गया? B इजिकल टू कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना आ गया? 360 अपॉन कितना आ गया? 2। एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना आ गया बच्चों? यहां से कितना आ गया? 180 डिग्री। ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो यहां ए की जगह क्या रख सकते हैं? बी रख सकते हैं। ये लो बी, ए बी की जगह ए रख दिया तो बराबर 180। तो एंगल ए 2A बराबर कितना आ गया? 180। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 2 इधर जाके बाद में जाएगा। लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो कैसे करें? इसका सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के लिए ये हम एक बार वापस हटा देते हैं, ये हटा रहे हैं, सॉर्ट में करेंगे, सॉर्ट में करेंगे, ये हटाएंगे तो क्या हम ये लिख देंगे दो समांतर रेखाओं के क्रमांकित अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो A प्लस B बराबर 180 डिग्री होगा। ये A रहा, ये B रहा, क्रमांकित है, ये रेखा समांतर है। कैसे पता चला समांतर है? क्योंकि है ही समांतर चतुर्भुज। तो A प्लस समांतर रेखाओं के क्रमांकित अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो A की जगह A, B की जगह क्या रख सकते हो? A बराबर कितना गया? 180 डिग्री। तो यहां से क्या गया? 2A इक्वल टू कितना गया? 180 डिग्री। A का मान कितना गया? 180 बटे में कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, 180 / 2। एंगल A इक्वल टू कितने डिग्री आ गया? 90।
एंगल ए का मान 90 डिग्री है तो बी का भी मान 90 डिग्री हो, क्योंकि ए और बी क्या है बराबर है। ए का मान 90 डिग्री है तो सी का भी मान 90 डिग्री हो, क्यों, क्योंकि ए और सी क्या है सम्मुख कोण। बी का मान 90 डिग्री है तो डी का भी मान 90 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।